बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल में। पिछले चैप्टर में यानी कि 197 में आपने जाना था धनु लग्न के बारे में, लक्ष्मी नारायण राजयोग। दोस्तों क्या है ये लक्ष्मी नारायण राजयोग, अगर पहली बार आप सुन रहे हैं, पहली बार समझ रहे हैं, तो सबसे पहले चैप्टर 189 यानी 189 नंबर अनिवार्य रूप से देख लीजिए। उसमें पूरी डिटेल बताइए कैसे ये बनता है, क्या स्थिति होती है, किस प्रकार की जानकारी है, कब बनेगा, कहाँ नहीं बनेगा, कौन कौन सी वो कमियां और कौन कौन सी वो खूबियां हैं जिसकी वजह से इसके लाभ में कमी और लाभ में अधिकता देखी गई है। तो सर्वप्रथम इसकी जानकारी और धनु लग्न के बाद में आज नंबर है मकर लग्न का, किस प्रकार से ये राजयोग वहां फायदा नुकसान या क्या स्थिति देनी है, चलिए जानते हैं उसके बारे में। मकर लग्न दोस्तों कुंडली में देख लीजिए, प्रथम भाव में 10 नंबर लिखा हो तो ये मकर लग्न हो गया और इस तरह से बाकी के घर, बाकी के जो राशियां हैं इस प्रकार से अरेंजमेंट में होगी। तो जैसा कि सबसे पहले शर्त है, बुध और शुक्र किसी एक भाव में होने चाहिए। कहां कहां क्या क्या फल देने वाले हैं या कहां कहां पर ये राजयोग बनेगा, निश्चित तौर पर अभी कुछ देर में आपको सभी घरों की जानकारी मिल जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये राजयोग इस लगन में किस प्रकार से प्रभावी है। बात करते हैं दोनों योग कारक होने चाहिए, तो शनि की राशि मकर राशि में बुध और शुक्र किस प्रकार का योगदान देते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारा जो नियम है मित्र शत्रु चार्ट से, इसके अंदर आपको पता चल जाएगा शुक्र शनि और ये बुध परस्पर तीनों ही मित्र हैं और तीनों को अच्छे अच्छे घर दिए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं शुक्र को एक त्रिकोण और एक केंद्र और बुध को एक त्रिकोण और एक त्रिक भाव, यानी कि बेहतरीन स्थिति जहां पर भी बैठेंगे ज्यादातर स्थितियों में लाभ ही देंगे। तो बुध और शुक्र का यानी कि व्यापार को उठा करके लगन में रख दिया और भाग्य को उठा करके लगन में रख दिया तो एक बेहतरीन स्थिति। मजे की बात बताता हूं मैं आपको, सबसे पहले यहां इनके होने से लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा ही बनेगा, और दूसरे नंबर पर आप देखेंगे तो ये और ये जब किसी भी भाव में, यानी ये धर्म और ये कर्म, ये जब भी कुंडली के किसी भी भाव में विशेषकर अच्छे भाव में साथ बैठे हो या फिर दृष्टि संबंध में हो तो इंसान को धर्म कर्मादि अधिपति राजयोग बनता है, जो कि एक बेहतरीन परिस्थिति मानी जाती है। यानी एक हो गया आपका लक्ष्मी नारायण राजयोग और दूसरा हो गया धर्म कर्म अधिपति, बहुत अच्छी और बहुत ही जबरदस्त परिस्थिति है। यानी इस लगन के अंदर यह परिस्थिति होना एक सर्वोत्तम स्थिति मानी गई है, जिसके अंदर की बुध और शुक्र अपने बेहतरीन परिणाम और लग्जरियस लाइफ देने के अंदर बाध्य हो जाएंगे, बल्कि उनका तो फर्ज है, उनका तो यहां देना ही देना है, ऐसे जातक को हर प्रकार का लाभ देना ही देना है। तो ये एक अच्छी स्थिति हो गई। अब आप इसके अंदर एक मजे की बात और देखेंगे, ये जो डी के लिखा है मैंने, यानी कि धर्म कर्म अधिपति, ये ज्यादातर जगहों पर बनेगा। उसका कारण क्या है, इस और इस भाव के अंदर ये इन दोनों का अगर साथ में कहीं युति बनती है तो ये चीज स्पष्ट हो जाती है कि ये राजयोग बनेगा। तो आप देख सकते हैं अगर दूसरे भाव के अंदर भी ये स्थिति हो तो इंसान जातक जो भी है, वाणी के मामले में, आवाज के मामले में या हर प्रकार की सुंदरता के मामले में बेहतरीन कॉम्बिनेशन लेके चलेगा, और ये दोनों घर तो विशेषकर इन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं, ये दोनों के लाभ सदैव मिलेगा। इसलिए सबसे पहले तो डी के यानी कि धर्म कर्मादि अधिपति राजयोग और दूसरे नंबर पे आपका लक्ष्मी नारायण राजयोग, दोनों ही हर हाल के अंदर बनते नजर आएंगे। हम यहां पर धर्म कर्म अधिपति राजयोग की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूंकि साथ में चलते चले जा रहे हैं तो निश्चित है कि ये चीज बननी ही बननी है। तो आप समझ जाइए कि ये एक्स्ट्रा यानी कि इस कुंडली का एक एक्स्ट्रा राजयोग है जो कि बेहतरीन है। बात करेंगे तीसरे भाव की, शुक्र यहां उच्च हो जाते हैं लेकिन तीसरे भाव में जाके उच्च होना उचित नहीं, और बुध जो है यहां जाकर के नीच हो जाते हैं, तो नीच भंग राजयोग जरूर बनेगा लेकिन तीसरे भाव में बनने की वजह से वो भी उतना प्रभावी नहीं, और धर्म कर्माधिपति यहां पर भी उतना लाभकारी नहीं, और आपका लक्ष्मी नारायण राजयोग भी यहां पर लाभकारी नहीं। मिला जुला करके 10% लाभ मान सकते हैं, बाकी परिस्थितियों में किसी भी प्रकार का कुछ लाभ नहीं। युतियां जरूर बन रही है लेकिन चूंकि ये घर उतना प्रभावी नहीं, मेहनत का है, तो आप भी जानते हैं कि आज का जमाना, आज का युग मेहनत का नहीं, बटन दबाने का है। जो काम जितना आसानी से मिल जाए उसके अंदर इंसान परिपक्वता चाहता है, वो चीज चाहिए
बाकी मेहनत से लगभग सब कतराते हैं, क्योंकि जरा से ज्यादा मेहनत हो तो इंसान हताश भी हो जाता है। चलिए बात करते हैं कुंडली के चौथे घर की। यहां पर हो तो वही आपका धर्म कर्म अधिपति राजयोग और लक्ष्मी नारायण राजयोग निश्चित तौर पर बन जाएगा। यानी आप देखते जाइए दो राजयोग इसके अंदर लगातार बन रहे हैं। मैं बार बार नाम नहीं लिख रहा हूं, लेकिन दो का मतलब यही हो गया कि ये दोनों लगातार साथ चलेंगे। कोई एक्स्ट्रा बनेगा उसको जरूर अपन यहां अलग से लिख देंगे। बात करते हैं त्रिकोण भाव यानी कि पंचम भाव के अंदर शुक्र का विराजमान होना, बेहतरीन स्थिति यानी कि व्यापारेश आकर अचानक धन लाभ, या संतान भाव में या बहुत अच्छे बुद्धि के भाव के अंदर बैठे हैं तो निश्चित तौर पर लक्ष्मी नारायण राजयोग का यहाँ पर निर्माण होना अति आवश्यक है। और साथ में बुध भी यहाँ बैठे हैं तो भाग्य का यानी नवम से नवम और बहुत अच्छी स्थिति नवे घर का, नवे घर में जाकर बैठना, ये हर प्रकार से लाभकारी स्थिति हो गई। भाग्य का अत्यधिक प्रबल हो जाना इस चीज को दर्शाता है। इसलिए लक्ष्मी नारायण राजयोग में प्रबलता रहेगी, बहुत बढ़िया कंडीशन वाला लक्ष्मी नारायण राजयोग है। धन संपदा निश्चित तौर पर जीवन में बरसने वाली है। जिस किसी के भी इनमें से कोई स्थिति बन रही हो जरूर बताएं कि हाँ ये जो घरों में पोजीशन है उसका लाभ किस प्रकार से उनको मिलता चला जा रहा है। आइए बात करते हैं अगर इस भाव में शुक्र और बुध होंगे तो बुध तो निश्चित तौर पर विपरीत राजयोग की श्रेणी में आ जाएंगे, बस शनि का अच्छी जगह पर प्लेसमेंट होना जरूरी है। तो एक विपरीत राजयोग बुध का जरूर बनेगा, लेकिन लक्ष्मी नारायण राजयोग की बात करेंगे तो यहां शुक्र मारक हो जाएंगे, इसलिए लक्ष्मी नारायण राजयोग नहीं बन पाएगा। बात करेंगे, समझ गए होंगे आप, क्योंकि अभी तक इतने वीडियोस में इन्हीं चीजों को डिटेल से समझते जा रहे हैं, इसलिए फटाफट समझते हैं इनको कि यहां क्यों नहीं बना। तो इसी का कारण आप समझ गए कि शुक्र की कोई राशि नहीं है, इसीलिए विपरीत राजयोग में नहीं आया। और छठे भाव में लक्ष्मी नारायण राजयोग का बनना संभव नहीं होता, क्योंकि घर खराब है, सिर्फ विपरीत राजयोग को यहां जगह दी गई है, वो भी विपरीत का मतलब दुश्मन, दुश्मन जैसी परिस्थितियों के अंदर हमको फायदा देता है। यानी मारक ग्रह अपने विपरीत समय में अपने विपरीत स्थितियों में ही सबसे ज्यादा हमको फायदा देगा। तो ये इसलिए बात करते हैं सप्तम भाव की। तो बुध यहां पर भी अच्छे और शुक्र भी यहां अच्छे, तो निश्चित तौर पर लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण यहां होगा। और साथ ही हमारा जो धर्म कर्माधिपति राजयोग है वो होगा, इस भाव में भी वो की हुई चीज है, तो दोनों के दोनों ये राजयोग बनते चले जाएंगे। वही बात करते हैं वापस से अष्टम भाव की यानी त्रिक भाव में। तो बुध हर जगह पर बाध्य है यहां विपरीत राजयोग बनाने के लिए, ये एक अच्छी स्थिति, लेकिन शुक्र का नहीं बनेगा, इसलिए लक्ष्मी नारायण राजयोग की कोई कैलकुलेशन यहां पर नहीं देखी जाएगी। बात करते हैं भाग्य भाव का मालिक, भाग्य भाव में बैठे और शुक्र भी साथ में यहां बैठे तो बेहतरीन स्थिति। जहां बुध उच्च हो रहे हैं वहीं शुक्र यहां नीच हो रहे हैं, तो एक सबसे पहले तो नीच भंग राजयोग, दूसरे नंबर पर आपका धर्म कर्म अधिपति राजयोग, और तीसरे नंबर पर आप देखेंगे तो यहां आपका लक्ष्मी नारायण राजयोग। यानी तीन तीन राजयोग भाग्य भाव में बनना जातक को बहुत जबरदस्त भाग्यशाली बना देता है, या यूं कहूं कि कहने ही क्या, ऐसी स्थितियों में मेहनत की बहुत कम आवश्यकता लेकिन सफलता उस मेहनत के मुकाबले बहुत ज्यादा। यानी मेहनत तो हर हाल में करनी है, लेकिन जहां औरों की किस्मत खप रही होगी वहां इस इंसान की किस्मत बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही होगी, बेहतरीन स्थिति के अंदर ये लाभ। बात करते हैं दशम भाव की, तो यहां देखेंगे सर्वप्रथम अगर दोनों हैं तो निश्चित तौर पर धर्म कर्म अधिपति राजयोग यहां बनेगा, लक्ष्मी नारायण राजयोग यहां दोनों के साथ होने से, और एक और राजयोग बनेगा, चलिए वो मैं आपको यहां टिक करके छोड़ देता हूं एक गोला बना करके कि आप बताएं यहां और बुध शुक्र होने से एक और कौन सा राजयोग बनने वाला है और क्या क्या उसके लाभ मिलने वाले हैं। यानी कि बेहतरीन स्थितियां मकर लग्न के अंदर तो आप देख रहे हैं कि बुध और शुक्र का जबरदस्त कमाल है, युति बन गई तो बहुत ही फायदेमंद स्थिति होने वाली है। जिस भी किसी की ऐसी स्थितियां हो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और लाभ या किस प्रकार का जीवन में उसको इस चीज का फायदा मिल रहा है अनिवार्य रूप से बताएं। बात करते हैं कुंडली के ग्यारहवें भाव की, तो यहां पर भी वही स्थिति, धर्म कर्म अधिपति राजयोग और साथ में लक्ष्मी नारायण राजयोग निश्चित तौर पर बनेगा, क्योंकि भाव ठीक है, जगह भी ठीक है और आय का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, तो निश्चित तौर पर दोनों ही अपने फायदे आपको देने का पूरा प्रयास करने वाले हैं, निश्चित तौर पर बढ़िया होने वाला है। वापस से बात करें इसकी तो ये विपरीत राजयोग बुध के लिए, लेकिन शुक्र की यहां कोई अच्छी स्थिति नहीं, लेकिन फिर भी कारक भाव उसका है तो निश्चित तौर पर इंसान को फायदा
कुछ हद तक देंगे, लेकिन जहां बात करेंगे लक्ष्मी नारायण राजयोग की तो उसका बनना यहां संभव नहीं, तो सिर्फ विपरीत राजयोग और उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। तो दोस्तों ये थी स्थिति आपके सामने कुंडली के 12 भावों में मकर लग्न का प्रभाव अगर ऐसा रहता है तो किस प्रकार से जीवन में लक्ष्मी नारायण राजयोग और साथ में जो राजयोग बन रहे हैं उनका कैसे मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुंभ लग्न के साथ में। इस वीडियो में ये सवाल आपसे किया गया है कि दशम भाव में एक और कौन सा राजयोग बनेगा, और इसके अतिरिक्त जो भी कुछ आप और जानना चाहें या क्या आपको समझ आता है वो कमेंट बॉक्स में अनिवार्य रूप से बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।